नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का वीडियो जो बेस्ड है वो है आपका बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पेपर 1 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी ईजी है, और इसको जितनी तेज़ी से आप एग्ज़ाम में करते हैं उतना आपका टाइम बचता है अदर क्वेश्चन के लिए। तो हर बार के पेपर 1 में आपका जो नेट का होता है उसमें इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देता है और आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है क्वेश्चन का। तो देखिए, ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको कैसे आप जो रूल है उसके आधार पे सॉल्व करते हैं, और जो मैं बताऊंगा एक शॉर्टकट उसके आधार पे आपको कैसे सॉल्व करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपका जून 2019 के पेपर 1 का क्वेश्चन है, NTA UGC नेट का। और क्वेश्चन था आपके सामने कि 75 जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी कन्वर्जन करने पे क्या आएगा, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, और चार ऑप्शन दिए गए थे पेपर में, और सेलेक्ट करना था करेक्ट आंसर। तो देखिए, सिंपल तरीके से जो लोग इसको निकालते हैं वो एक फार्मूला लगाएंगे कि 75 यहाँ रखेंगे, फिर इसको 2 से शुरू करेंगे काटना और लास्ट तक निकालेंगे इसका, उसके बाद कन्वर्जन आपको मिल जाएगा 75 का। तो देखिए, एक बार हम इसको कन्वर्जन करेंगे सिंपल तरीके से ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए, जो लोग फ्रेशर हैं कभी अभी इसका कन्वर्जन वो लोग नहीं किए हैं। तो देखिए, 75 का जो डेसिमल नंबर है इसका अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो 2 से यहाँ जब करेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा, यानी कटता है इतनी बार में, तो आपके पास 1 बचता है जो यहाँ पे चला आएगा। फिर आप अगर 2 से इसको फिर काटते हैं तो 18 यानी 18 बार में जाएगा, और फिर आपका 1 बच जाएगा क्योंकि 18 का डबल करेंगे तो 36 होता है और 1 आपका बचता है, तो 1 यहाँ लिख देंगे। यानी कि जब पूरा का पूरा अगर जो डिजिट है ऊपर का कट जाए तो 0, और अगर 1 बचता है तो यहाँ साइड में 1 लिखते हैं हम। फिर 2 से काटेंगे, ये आपका 9 बार में कटा और कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर 2 से यहाँ पे 4 टाइम में जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, ओके 1। उसके बाद 2 से यहाँ फिर अगर हम करते हैं तो यहाँ 2 बार में जाएगा और यहाँ पे 0 बचता है। फिर हम 2 से इसको काटते हैं तो नीचे 1 बचेगा, ओके, और साइड में आपका 0 बचता है। तो 1 0 0 1 0 1 1, ये आपका कन्वर्जन हो गया बाइनरी। और देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि 100 यहाँ पे 11 है। देखिए वहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है 100 तो है लेकिन लास्ट में 11 नहीं है, और यहाँ पे देखिए जो सेकंड है 101 तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है 100, ओके 100 1011, यानी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो इसका कन्वर्जन हम लोग लिखते हैं और रखते हैं। तो ये था आपका जो पारंपरिक रूल था जो हम पहले से करते चले आए हैं, लेकिन अगर फास्ट तरीके से इसको अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर कभी कभी क्या होता है जो ये 75 हम काटते हैं कहीं थोड़ा सा फंसता है तो क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें और एक आपको रूल बताएं जो आपको याद हो जाएगा बड़े आसानी के साथ। तो देखिए, अगर आपके सामने एक डिजिट है 1
0 1 0, ठीक है। ये आपके पास बाइनरी है और आपको डेसिमल में इसको चेक करना है कि इसका डेसिमल कितना होगा। तो बस आपको याद रखना है 1 2 4 8। अगर आगे भी नंबर है तो हम डबल करते जाएंगे, 16 कर देंगे, और आगे नंबर और है तो फिर इसको 32 करेंगे। यानी ऐसा नंबर जिसको हम हर बार डबल करते चले जाएं, ये आपको उस बाइनरी के ऊपर या नीचे लिख देना है। और जिसके ऊपर 1 रहेगा उस नंबर को हम ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 के नीचे 8 हो गया, इस सेकेंड 1 के नीचे 2 हो गया, तो हम 8 + 2 = 10 यहाँ पे रख लेंगे। यानी कि जो 1010 का हमारे पास 10 आया, ये है आपका डेसिमल नंबर। तो 10 को अगर हम देखते हैं 2 से डिवाइड करके कि क्या सही में यही नंबर आता है, तो देखिए यहाँ पे 5 बार में जाएगा ये 0 होगा, फिर 2 बार में यहाँ पे जाएगा यहाँ पे 1 होगा, और फिर यहाँ पे 1 होगा और पूरा कट गया। तो देखिए 1010 नीचे से ऊपर की तरफ हम जाके लिखते हैं, तो ये देखिए 10 का डेसिमल नंबर जो था यहाँ पे बाइनरी 1010 हो गया। तो हम ऐसे ही इन नंबरों को चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, इसको हम 1 1 0 1 0 0 1, सॉरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, फिर से करते हैं 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं तो नीचे हम करते हैं 1 2 4 8 16 32 और 64, ये हम करते हैं। और हमने कहा जिसके ऊपर 1 रहेगा उस डिजिट को हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 64 32 8 और 1, ये हमारे पास नंबर बचा, ठीक है। ये नंबर हमारे पास बचा जिसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो 64 है, 64 हमारे पास जो निकल के आया, प्लस हमारे पास 32 निकल के आया, प्लस हमारे पास 8 निकल के आया, और प्लस 1 निकल के आया, इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। तो कहीं दिक्कत होता है तो इस रूल को आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जब हम इन चीज़ों को बड़े तेज़ी से लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा ऐड करते हैं लिखते हुए, हम सिर्फ अपने माइंड में इन चीज़ों को क्रिएट करके फटाफट निकाल लेते हैं डिजिट को। तो देखिए मान लीजिए जो ये है 4th, यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1, इसको अगर हम देखें कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो वो है आपका 1 2 4 8 16 32 और 64। तो यहाँ पे 64 क्योंकि इसके ऊपर 1 है, फिर 8 इसके ऊपर 1 है, और 2 और 1 क्योंकि दोनों के ऊपर 1 1 है, तो 64 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 1, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 75, ठीक है। एक बार ज़रूर आप करके देखिएगा, ये आया 75, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा 4th ऑप्शन, ओके यहाँ पे आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सभी को चेक कर सकते हैं कि ये सभी नंबर जो हैं यहाँ पे बाइनरी, इसका डेसिमल क्या होगा। तो एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है कि आपके पास नंबर दे दिया जाता है डेसिमल, तो कभी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये आपके पास बड़ी सिंपल और आसान तरीके का रूल है जिसके माध्यम से आप डेसिमल नंबर से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल चेक कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके पास एक यहाँ पे डेसिमल नंबर जो है 37, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या मत दीजिएगा, लेकिन आप सॉल्व करके ज़रूर चेक करिएगा कि इसका बाइनरी क्या होगा, यानी 37 ये डेसिमल नंबर है। देखिए
आपके पास जो कन्वर्जन होता है उसमें डेसिमल नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं, उसके बाद आपका हेक्सा डेसिमल होता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑक्टा होता है। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान कर देंगे तो बड़े आराम से आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे बाइनरी आपका 21 है, सॉरी आपका 21 जो डेसिमल है इसका बाइनरी आपको निकालना है, तो फिर यहाँ पे हमने दिया है, इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है आपका जो ये, इसको ज़रूर हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास ये दे दिया गया हो जो कि आपका ये बाइनरी नंबर है और फिर आपको डेसिमल पता करने के लिए बोला जाए, तो देखिए ये है 1100110, ये एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो फिर आप कैसे करेंगे, तो देखिए वही रूल अपनाएंगे जो हमने आपको बताया। तो इन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में 2 मार्क्स 100% फिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये दिया है तो आपको वही रूल अपनाना है कि जितने डिजिट हो उसके नीचे 1, 2, 4, 8, 60, 32 और 64 ऐसे करते हुए चले जाना है और जिसके ऊपर 1111 जो डिजिट हो उसके नीचे की संख्याओं को ऐड कर लीजिए, इक्वल टू करिए और जो आए उस नंबर को सेलेक्ट करिए। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें पता चल जाए कि आप एक्सपर्ट हो गए इस फील्ड में, ताकि हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने में आसानी रहे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।